सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार नंद बाबा यमुना जी का स्नान करके लौट रहे थे तो महात्मा दिखे, तो महात्माओं को साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि उनके स्वभाव में था। संतों को, महात्माओं को जहां दिखे प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम किया तो सब ब्राह्मणों ने, संतों ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भाव। बाबा ने कहा कि ये का आशीर्वाद दे रहे हो भैया, अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब तो मेरे संतान की पूरी तरह से जो है आशा छोड़ दी है। महात्माओं ने कहा देखो, हमारे मुख से जो निकल गया वो निकल गया, संत के मुख से जो निकल जाता है वो पर झूठा नहीं होता। ब्रज के ही एक महान संत, उनकी कथा हमने यहाँ के मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी जो है, मलुक पीठ वाले महाराज जी से सुनी, इनके दादा गुरु जी की बात। महाराज जी सुना रहे थे कि एक दिल्ली के कोई सज्जन थे, भक्त परिवार था, उनको एक ही बेटा था। कुछ ऐसा संयोग बना कि वो बेटे का देहांत हो गया, बेटे की मृत्यु हो गई, वो बहुत दुखी रहने लगे। एक बार उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि चलो बेटा नहीं रहा ठीक है, एक बार वृंदावन घुमाए, तो वृंदावन आए, तो महाराज जी के आश्रम पर गए दर्शन करने। तो महाराज जी से उनकी पत्नी ने कहा, महाराज जी जब से बेटा गया है ये बहुत दुखी रहते हैं, बड़े उदास रहते हैं, आप कुछ करिए। तो महाराज जी पता नहीं किस भाव में थे, उन्होंने कह दिया कि अभी कोई बूढ़ा थोड़े हो गया है, जाओ बेटा हो जाएगा, जा संतान हो जाएगी। उसने कहा महाराज जी क्या कह रहे हैं, मेरी पत्नी के गर्भाशय में कुछ विकृति आ गई थी इसलिए उसका गर्भाशय निकालना पड़ा। पत्नी का गर्भाशय निकल गया और आप कह रहे हैं कि संतान हो जाएगी। तो गुरु जी ने कहा कि जो संत के मुख से निकल गया वो निकल गया। अब ये बताओ, भगवान बड़े हैं कि वैज्ञानिक बड़े हैं? बोले बड़े डॉक्टर बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं? बोले बड़े तो भगवान है। चले गए, बोलो आश्चर्य हुआ, डॉक्टर भी परेशान हो गए कि ये कैसे हुआ, गर्भाशय निकल चुका था और जो है एक वर्ष बाद उनके यहां एक बेटी का जन्म हो गया। कितनी अद्भुत बात है। बाद में पर उनके यहां एक बेटा भी हुआ। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता है साहब।